अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ चार स्टेटों के इफ़को डायरेक्टर मिस्टर देवेंद्र रेड्डी साहब हैं, जो यहाँ के एमएलए मैडम साहिबा के हस्बैंड हैं। आइए आज हम आपसे बात करते हैं मिस्टर देवेंद्र रेड्डी साहब से। साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से मेदक बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद से यहाँ पे जो डेवलपमेंट काम हो रहा है, जिसको लेकर मकामी आवाम बहुत ज़्यादा खुश है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए जो सेंटर टाउन में जो शादीखाना दिया गया है, गुज़श्ता गवर्नमेंटों में भी टाउन के बाहर दिया गया, वो आज तक भी एक मरतबा भी इस्तेमाल में नहीं आया। लेकिन अभी जो टाउन में जो शादीखाना आपकी तरफ से मंजूर हुआ है, वो बहुत बड़ा काम मेदक के मुसलमानों के वास्ते हुआ है, लेकिन उसका जो काम पेंडिंग था, अभी वो बहुत जल्दी के साथ वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन कितने दिनों में वो कम्प्लीट होकर आवाम के लिए दस्तियाब रहेगा? बहुत खुशी खबर है कि वो तो ये पूरे मुसलमानों के, वो तो बहुत साल से यहाँ का उन लोगों को शादी करने के वास्ते हर एक एमएलए को उन लोग पूछते जा रहे हैं, और एमएलए थोड़ा यहाँ नहीं वहाँ नहीं दूर दूर जाके आधा आधा बन के कहाँ भी क्यों बोलते, एक बार भी शादी करना अच्छा तो नहीं हुआ आज तक, उन लोगों कोई भी हैंड ओवर नहीं करा, एक शादी भी नहीं कर सके, गरीबों के लिए बहुत तकलीफ था। उस वास्ते पूरे लोग क्यों बोलते, एक चंद्रशेखर राव साहब हैदरा मेरे कहा आए टाइम पे यहाँ का एमएलए पद्मा देवेंद्र साहब तो शादी करना चाहिए या मेदक मुसलमान के लिए बोल के पूछे, तो उन्होंने एक अच्छा शादी करना बोल के 1 करोड़ रुपए शादी करने को सैंक्शन कर दिए थे। वो शादी करने के वास्ते केवल तो जगह अच्छा चाहिए बोल के पूरे मुसलमान लोग को जो पसंद है मेदक में ऐसा जगह, पूरे मुसलमानों को अच्छा नज़दीक ऐसा जगह देख लो बोल के बोले, तो उन लोग पूरे एक अच्छा जगह देख लीजिए। वो जगह पर थोड़ा फाउंडेशन के वास्ते बहुत तकलीफ हुआ था, फिर भी तो फाउंडेशन लगाने के वास्ते थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया, फिर भी 1 करोड़ रुपए से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन दिए। वो बस नहीं हुए तो अभी 1 करोड़ रुपए मेदक एमएलए को पूछे तो अभी 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करें, और इस साल ये महीने में जून आखिरी तक बकरीद से पहले वो फंक्शनल ग्राउंड फ्लोर अपने पूरे माइनॉरिटी लोगों को हैंड ओवर करने को पूरे काम हो रहे हैं। जल्द से जल्द वो काम करके ये जून आकर तक उन लोगों को हैंड ओवर करने का हमारा इरादा है, हो जाता। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त जो टाउन में जो कब्रस्तान है या फिर बाउंड्री वाल है, उस सिलसिले में आपकी तरफ से भी कुछ कोशिश की जा रही है, इसकी इत्तला मिली थी, आप उस सिलसिले में क्या करने वाले हैं? ये मेरे कॉन्शियंस को 2 करोड़ रुपये मस्जिदों को, आश्रुकानों को, ये कब्रस्तानों को, कंपाउंड वाल के लिए, ये छोटे छोटे रिपेयर्स के वास्ते ये पूरे काम 2 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए हैं। वो भी क्यों बोलते, काम करने के वास्ते कोई नए लोग आगे नहीं आया था, हम ये महीने से पूरे लोगों को एक एक काम लेके वो काम करना है, जल्द से जल्द ये कब्रस्तानों को कंपाउंड वाल बनाना है और मस्जिद रिपेयर्स ख़त्म हो जाना है, और राष्ट्रकाना भी जो जो पेंडिंग है वो भी ख़त्म करना बोल के हम कार्यक्रम ले लिए हैं, और ये जल्द से जल्द ये कार्यक्रम ये पूरे काम शुरू हो जा रहे हैं। 2 करोड़ के बाद ये 6 महीने में 8 महीने में पूरे काम हो जाना, पूरे काम इस्तेमाल हो जाना, पूरे पैसे तेलंगाना गवर्नमेंट चंद्रशेखर राव की हुकूमत में मुसलमानों का चीज़ा पूरे उन लोगों को बोल दो काम के लिए होना है, उस वास्ते काम पक्का होना बोल दो, जल्द से जल्द 6 महीने से 8 महीने से पूरे काम खत्म हो जाता है। सर, हमारे को यहाँ पे मेदक के मुसलमानों को यहाँ पे खुशी की बात यह है कि अभी कई सालों से जो डेवलपमेंट का जो काम रुका हुआ था, अभी स्पेशली यहाँ पे चाहे रोड बाइंडिंग का काम हो या फिर पानी का मसला हो, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज थे, इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हल हो रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में, जो बहुत बड़ा काम है आपके पीरियड में ये काम हो रहा है, इससे मेदक की आवाम खुश है। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से ख़ास तौर पर जो मेदक में एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज जो बनाया गया है गर्ल्स के लिए, ये दो भी ये बहुत बड़ा काम है, यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स के ज़रिए से यहाँ खिदमत की जा रही है, यहाँ के एडमिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तेलंगाना में हुकूमत आने के बाद बोल तो ये खास तौर के मुसलमानों का लड़कियाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, उन लोग पढ़ाई बहुत दूर हो जा रहे हैं, क्यों बोलते उन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ना बोल तो बहुत लोगों को शौक है, हमारे क्यों बोलते यहाँ तो सुविधा नहीं रहता था, उसके वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट के बाद हर एक कॉन्शियस में महिला एक डिग्री कॉलेज रहना एक स्कूल रहना बोल के है, खासतौर पर यहाँ का एमएलए महिला ओके नाते लेडी स्कूल लगाने के वास्ते कोशिश करा, उस वास्ते लेडी स्कूल आ गया, कॉलेज भी आ गया माइनॉरिटी के लिए, पूरे लेडीज़ के वास्ते हो रहा है, अब अच्छा पढ़ाई हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज से कितना हो रहा है उससे ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी से अच्छा पढ़ाई से, एक एक लड़की के ऊपर गर्ल्स के ऊपर
कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करके ये गवर्नमेंट उन लोगों को पढ़ाई अच्छा पढ़ाई देना बोल गया है, उन लोगों को किताबा देना है और ड्रेसेस भी देना है और कॉस्मेटिक्स भी देना है और अच्छा फूड चावल अच्छा चावल से उन लोगों को खाना खिलाना है और मटन चिकन भी देना है। उसके सिवा से भी उर्दू भी उन लोगों को सिखाना है बोल के उर्दू मीडियम में बोल रहे हैं और फारसी भी सिखा रहे हैं, वो भी सेपरेट एक क्लास लेके भी वो भी सिखा रहे हैं। वैसे कॉलेज और स्कूल दो भी यहाँ चल रहे हैं और पूरे मैं मेरे तमाम मुसलमानों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों का बेटियों को ये स्कूल में शामिल कराइए, ये कॉलेज में शामिल कराइए, अच्छा गवर्नमेंट दिए सो फैसिलिटीज आप लोग इस्तेमाल कर लिए बोल के मैं पूरे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी एडमिशन शुरुआत हो गया, पूरे एडमिशन लेके पूरे लोगों का गवर्नमेंट जो फ़ायदा कर रहे हैं अपने लिए कर रहा है वो फ़ायदा पूरे लोगों अब मौका का फ़ायदा उठाओ बोल के मैं पूरे लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी जानिब से अपना कीमती वक्त हमें दिया गया है, इस पर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।